नमस्कार, मैं आशा। जस्ट किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी। आज हम खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कढ़ी बहुत तरीके से बनती है और सबका अपना बनाने का तरीका होता है और अलग अलग स्वाद होते हैं। तो इसी तरह से गुजराती कढ़ी जो है थोड़ी सी खट्टी मीठी होती है। तो आज हम खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो वीडियो का एक भी कढ़ी मिस ना करें, वीडियो को पूरी देखें। और इस कढ़ी के साथ आलू की सब्जी बहुत ही यम्मी लगती है, तो जब भी ये कढ़ी बनाएं तो आलू की सब्जी बनाएं, कढ़ी चावल और आलू की सब्जी। तो चलिए देखते हैं इस कढ़ी को कैसे बनाते हैं। आज मैं गुजराती कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। कढ़ी बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आधी कटोरी बेसन, एक कटोरी दही। दही की जगह अगर आपके पास फ्रेश छाछ पड़ा है तो बना सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। नमक, हल्दी पाउडर, लहसुन की 10 कलियां हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, इसको हम दरदरा पीस के कढ़ी में डालेंगे। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या तो ऑलिव ऑयल आप यूज करें, मस्टर्ड ऑयल ना यूज करें, क्योंकि सरसों के तेल में कढ़ी शायद अच्छी ना लगे, कड़वी हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च, हींग पाउडर, बारीक कटी हुई हरी धनिया, कड़ी पत्ता, जीरा, राई। तो चलिए हम गुजराती कढ़ी बनाते हैं। दही और बेसन को मिक्सी जार में डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम बेसन डाल देंगे, इसमें हम आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम इस जार में मिक्स करेंगे। अब इसको हमने इस तरह से इसका कढ़ी का घोल तैयार कर लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम 4 चम्मच जितना तेल डालेंगे। अदरक, मिर्ची और लहसुन को हम दरदरा पीस लेंगे। अदरक, लहसुन और मिर्ची को हमने दरदरा पीस लिया है। तेल गर्म हो गया, इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई, कड़ी पत्ता, और इसमें अब ये डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन मिर्ची का घोल डालने के बाद में इसको हम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। इसमें साथ में मसाले ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से लहसुन मिर्ची अदरक का घोल अच्छे से भून गया है और मसालों में से तेल छूटने लगा है। अब इसमें हम दही बेसन का घोल डालेंगे। इसको लगातार चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि इसमें ये बॉईल ना होने लगे, तब तक इसमें से हमें कलछी को हटाना नहीं है। जब भी ये गुजराती कढ़ी बनाएं तो कढ़ी चावल के साथ आलू की चटपटी सी सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इस कढ़ी और आलू की सब्जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप जब भी ये बनाएं तो आलू की सब्जी बनाएं इसके साथ। आलू की सब्जी की रेसिपी मैंने शेयर किया है, आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। जब कढ़ी उबलने लगे तब इसमें हम नमक और चीनी ऐड करेंगे। नमक और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। नमक का डबल इसमें चीनी रहता है तब इसमें टेस्ट अच्छा आता है। अभी कढ़ी बन के एकदम तैयार है, एकदम अच्छे से पक चुकी है। इसको हम हरे धनिए से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इस तरह से खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है, कोई झंझट नहीं, बिना झंझट के बहुत आराम से बन जाता है और बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े से चीज़ों में बन जाती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है, इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं पड़ी होती। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और
इस तरह के कम समय में और कम चीज़ों में बनने वाले खाने की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।